गाइस वेलकम टू ऑल ऑफ यू लर्न विथ मी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ मी में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं मशीन इनपुट का पार्ट 7। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने 6 पार्ट पढ़े थे। अगर आप लोगों ने ये 6 पार्ट अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे जाकर देख लेना ताकि आप लोग को ये वाला पार्ट बेहतर समझ में आए। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, इससे एक लेवल ऊपर का आज फिर पढ़ेंगे हम 7 पार्ट में। ठीक है, इसमें मैं आप लोग को 2 टाइप के इनपुट पढ़ाऊंगी जिसको हम लोगों ने ये 6 पार्ट में नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, बिल्कुल नया टाइप का दिखेगा आपको ये इस पार्ट में। ठीक है, 2 क्वेश्चंस। तो बिना किसी देरी के हम चलते अपने इनपुट की तरफ। इनपुट ये रहा, क्या लिखा हुआ है, P28 कप 32, C52 मंक 49। अब सबसे पहले क्या करती हूँ, मैं इनपुट को लिख लेती हूँ। क्या लिखा है, PEA P। ठीक है, इसका मैंने P लिख लिया, फिर लिखा 28, फिर लिखा कप, फिर लिखा 32, फिर लिखा C, उसके बाद लिखा 52, उसके बाद लिखा मग, उसके बाद लिखा 49। ठीक है, ये हमने लिख लिया। तो ये क्या क्या है, लेटर आ गए हमारे P C S M और नंबर्स आ गए हमारे 28, 32, 52 और 49। ठीक है, 4 लेटर, 4 वर्ड्स लिख रहे हैं हमें, 4 नंबर्स लिख रहे हैं। ठीक है, अभी क्या करते हैं हम, सबसे पहले स्टेप में इसने क्या किया, कब लिखा है, मतलब सी आ गया सबसे पहले, क्या आ गया, सी आ गया। ठीक है, फिर क्या आना चाहिए था, पी, तो पी आया है बिल्कुल। उसके बाद क्या आना चाहिए था, 28 आया कि नहीं, 32 ले लिया, मतलब 28 को उसने कहीं अरेंज कर दिया, सी सबसे पहले आ गया। और मैं देख सकती हूँ स्टेप 1 में क्या है, 28 क्या है, लास्ट पे चला गया। ठीक है, हमने क्या देखा, इनपुट लिखा हुआ है पी 28, सी 32, एस 52, एम 49। सबसे पहले स्टेप में क्या हुआ, सी पहले लिख लिया इसने, 28 को लास्ट में लिख लिया। ठीक है, दूसरे स्टेप में इसने क्या किया, सी के बाद आ गया एम। ठीक है, सी के बाद एम और 28 के बाद क्या आ गया, 32। ठीक है, तीसरे स्टेप में क्या किया इसने, सी एम है उसके बाद क्या आ गया, पी। ठीक है, सी एम पी उसके बाद क्या आ गया, 28, 32, 49 और 52। ठीक है, और बीच के ये सारे वर्ड्स को उसने लिखते जा रहा है। ठीक है, चौथे स्टेप में इसने क्या किया, CMPS 28, 32, 49 और 52। अब इतना तो अरेंज हो गया। अब पांचवे स्टेप से मुझे क्या दिख रहा है, XYF, ये सब XFK, ये सब दिख रहा है। ठीक है, XFK मतलब ये क्या है, बिल्कुल अलग है, मतलब इसने क्या किया है, इसमें कुछ चेंजेस कर दिए। ठीक है, तो यहाँ तक का पहले हम जमाना सीखते हैं कि इसने कैसे जमाया चारों स्टेप को। ठीक है, सबसे पहले इसने लिखा सी, ठीक है भैया, उसके बाद लिख लिया एम, ठीक है भैया, फिर पी, फिर एस। अब सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे लेटर में, असेंडिंग डिसेंडिंग, सबसे पहला हमारा काम क्या है, असेंडिंग डिसेंडिंग। तो इसका प्लेस वैल्यू कितना है, ये तो अब मैं यहाँ से देख सकती हूँ, मुझे डायरेक्ट असेंडिंग मिल गया, तो मुझे ऑड इवन वोवेल कंसोनेंट चेक करने की ज़रूरत है क्या, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर दिख रहा है, बढ़ते क्रम में दिख रहे हैं ये, 3 के बाद 13, 13 के बाद 16, 16 के बाद 19, मतलब लेटर को इसने क्या किया है, बढ़ते क्रम में लिखा है। इतनी बातें आई समझ में, लेटर को क्या किया इसने, बढ़ते क्रम में लिख लिया। ठीक है, अब हम चेक करते हैं अपने नंबर को, नंबर में देख सकती हूँ सबसे पहले 28 है, फिर 32 है, 28, 32, 49, 52। तो इसने नंबर्स को भी क्या किया है, असेंडिंग ऑर्डर लिखा है, तो ऑड इवन ये सब चेक करने की ज़रूरत है क्या, इन नंबर्स के एडिशन को, नहीं, क्योंकि डायरेक्ट असेंडिंग ऑर्डर से बढ़ते क्रम से मेरा आ गया, तो मुझे आगे चेक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। 4 स्टेप तब हम बना लेंगे, कैसे बनाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, उसके बाद इसने लेटर्स को ऐसे जमा दिया, वो भी असेंडिंग ऑर्डर में, फिर नंबर्स को इसने जमाया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे, वो भी असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, ये लेटर, ये नंबर इसने ऐसे जमा लिया। अब बात आती है पांचवे स्टेप से। ठीक है, मेन हमारा पंगा फंसेगा पांचवे स्टेप में, कैसे होगा, 4 स्टेप तक का तो बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर एकदम बच्चों वाला था। ठीक है, अब इसने क्या किया, कप है, CUP, ठीक, एक मिनट, ये क्या है, कप है, उसके बाद क्या है, मग है, उसके बाद क्या है, पी है, उसके बाद क्या है, SEA है, और इसने कोड में क्या लिख लिया है, XFKNFTKVZ और क्या लिखा है, HVZ। ठीक है,
अब मैं देख सकती हूँ यहाँ पे भी तीन तीन लेटर हैं, यहाँ पे भी तीन तीन लेटर हैं, ठीक है। और ये चार वर्ड्स हैं, ये भी चार वर्ड्स हैं, ठीक है। ये क्या किया है, तीन अक्षर इसमें है, तीन अक्षर इसमें, मतलब क्या है, इसको ही क्या किया है, इसने कुछ करके ये बना दिया है। तो अब मैं जैसे ही कप देखूँगी और एक्स एफ और के को देखूँगी, मेरा दिमाग सबसे पहले कहाँ दौड़ेगा, सी का अपोजिट एक्स। देखते ही ये बात पकड़ में आ जानी चाहिए कि हमने जब सीख रखा है अपनी पहली क्लास में, हमने क्या किया था, प्लेस वैल्यू याद की थी, उसके बाद हमने क्या किया था, इसका अपोजिट पेयर वाला सीखा था, दूसरी तीसरी क्लास पहली क्लास ऐसे करके हमने क्या किया था, सिर्फ बेसिक ही पढ़ा था। ये मैंने सबसे पहले इसीलिए पढ़ाया था क्योंकि ये बहुत सारे चैप्टर्स में यूज़ होता है और आप इसे पढ़ेंगे तो आसानी से इसे क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो सी को देखते ही ये समझ में आ गया कि सी का अपोजिट एक्स है। अब क्या हम क्या चेक करेंगे कि आगे भी क्या वही पैटर्न फॉलो कर रहा है, अगर कर रहा होगा तब तो हम अपोजिशन वाले से जाएंगे, नहीं कर रहा होगा तो क्या करेंगे, हम कुछ और ट्रिक देखेंगे, ठीक है। सी का अपोजिट एक्स है, बिल्कुल सही। यू का अपोजिट एफ है, बिल्कुल सही। पी का अपोजिट के है, बिल्कुल सही, ठीक है। इतना तो हमें समझ आ गया, सी का अपोजिट एक्स आ गया, यू का अपोजिट एफ आ गया फूल से, और पी का अपोजिट के आ गया, ठीक है, पी के मूवी से। अब हम चेक करते हैं कि आगे भी तीन वर्ड्स हैं, उनमें भी क्या लेटर्स का अपोजिट लिया है। तो हम देखेंगे मग का एन एफ टी, एम का एन मन का अपोजिट, ठीक है भैया, ये भी बिल्कुल सही है। यू का एफ फुल से, बिल्कुल सही है। जी का टी इंडिया गेट से, बिल्कुल सही है, ठीक है। मतलब इसमें भी क्या कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है। अब देखते हैं पी का, तो पी ई ए दिख रहा है मुझे, के वी जेड दिख रहा है, ए का अपोजिट जेड, लव से ई का अपोजिट वी, पी के मूवी से पी का अपोजिट के, पी में भी है। अब सी पे चेक करते हैं, एच वी जेड हैंडसम से एच एस, बिल्कुल सही है। लव से ई वी, बिल्कुल सही है। ए का अपोजिट जेड, मतलब इसने क्या किया है, पांचवें स्टेप में ये जो लिखे हुए थे वर्ड्स उसका क्या किया, लेटर्स का अपोजिट लिख लिया है, ठीक है। ये आ गया पांचवें स्टेप समझ में, लेटर्स का। अब नंबर क्या किया इसने पांचवें स्टेप में, तो मैं देख सकती हूँ कि नंबर पर इसने क्या किया है, चौथे स्टेप में लिखा था हमारा 28, 32, 49, 52। तो इसने क्या किया, इसे पांचवें स्टेप में इसने क्या लिख लिया है, 10, 5, 13 और 7, ठीक। अब क्या चेक करेंगे, हम देख सकते हैं कि ये नंबर इसी में फॉर्म है क्या, बिल्कुल नहीं, ये तो चेंज हो रखे हैं नंबर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब चेंज हुए हैं तो क्या करते हैं, 2 और 8 लिखा, या तो हो सकता है कि इसका एडिशन हो, या हो सकता है इसका सब्सट्रैक्शन हो, या हो सकता है इसका मल्टीप्लाई हो, या हो सकता है इसको डिवाइड कर दिया हो, या हो सकता है इसका स्क्वायर हो या क्यूब हो, दोनों का, ठीक है। ऐड कर रखा हो उसने, स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, ठीक है। ये सब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो यहाँ पे तो देख के समझ आ रहा है, एडिशन से आ गया 8, 2, 10, ठीक है। अगर यहाँ पे 10 नहीं होता, मान लो 16 होता, तो हम क्या करते, इसको इसने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया समझते, ठीक है। या फिर 8, 2 कितना हो गया, 10, इसने इसका स्क्वायर कर लिया होता, 100 लिखा होता, तो हम क्या बोलते, 8 और 2, 10, और इसका क्या किया, इसने स्क्वायर कर दिया, ठीक है। ऐसा हो सकता है, मतलब क्या क्या हो सकता है, या तो एडिशन होगा, ठीक है, ये ऐसे डिजिट्स हैं, इनका क्या होगा, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविज़न, ठीक है, स्क्वायर या फिर क्यूब, ठीक, या फिर इन दोनों का एडिशन करके स्क्वायर, इन दोनों का एडिशन करके क्यूब, या फिर डायरेक्ट भी स्क्वायर क्यूब लिख सकता है, ठीक है, कुछ भी ये लिख सकता है। इतनी बातें आ गई समझ में, इतना देखना है। और इससे क्या हो सकता है, इसकी प्लेस वैल्यू जो रहती है किसी लेटर की, उससे रिलेटेड वो कुछ कर सकता है कोड, ठीक है। यही क्या है, मशीन इनपुट है, ठीक है। अब हम देखते हैं 28, 32, 49, 52, ठीक है, 10, 5, 13, 7, तो अब समझ में आया, इस टाइप का आ जाएगा। तो और हम क्या चेक कर सकते हैं, अगर यही नंबर्स नहीं लिखे हुए, मतलब इसने क्या किया, उसको प्लस माइनस इनटू और डिवाइड ये सब करके इसने कुछ कर रखा है, समझेंगे हम, ठीक है। अब 8, 2, 10, 3, 2, 5, 4, 9, 13, 5, 2, 7, मतलब इसने क्या किया, पांचवें स्टेप में एडिशन कर दिया नंबर का। इतनी बातें आ गई समझ में, 4 स्टेप तक का असेंडिंग ऑर्डर लेना है, 5वें स्टेप में लेना है हमें लेटर्स का अपोजिट और नंबर्स का एडिशन, ठीक है। अब देखते हैं हम हमारे 6वें स्टेप को, ठीक है। अगर 6वें स्टेप की बात करूँ तो 5वें क्या लिखा था, एन एफ टी के वी जेड एच वी जेड, ठीक है, ये 5वां स्टेप था। 6वें में इसने क्या ले लिया, एक्स एन के एच, ठीक है, लेटर इसने ऐसे लिख लिया। यहाँ पे 3 लेटर है, यहाँ पे केवल एक है, ये एक्स का एक्स अगर मैं मान लूँ, तो आगे चेक करती हूँ क्या ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो एन एफ टी
एन आ गया, के वी जेड के आ गया, एच वी जेड का एच आ गया। मतलब क्या किया इसने, जो भी लेटर है हमारे उसका क्या है, पहला पहला लेटर को इसने लिख लिया लेटर में। ठीक है, अब बात आती है छठवीं स्टेप के नंबर्स की, तो हम नंबर चेक करते हैं। पाँचवें स्टेप में है 10 5 13 7, इसने छठवें स्टेप में क्या लिखा, ये पाँचवें स्टेप है, ये क्या लिखा इसने, 1 6 4 8। ठीक है, ये लिखा हुआ है 1 6 4 8। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या चेक करते हैं, एडिशन चेक करते हैं। 1 और 0 1 बिल्कुल आ रहा है, 5 का 6 कैसे आ गया, नहीं बन रहा है। ठीक है, एडिशन चल रहा है क्या, नहीं। अब देखते हैं हम मल्टीप्ली माइनस को माइनस लेगा क्या, 1 में से 0 गया, 1 5 का 6 आ गया, बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, एडिशन हो गया माइनस हो गया, मल्टीप्लाई को देखते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई को देखते हैं, 1 0 0 पर यहाँ तो 1 आ गया। ठीक है, तो ये भी चलेगा क्या, नहीं। अब डिवीज़न देखते हैं, डिवीज़न चलेगा क्या, 1 0, ये सब तो कुछ हो ही नहीं रहा। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें मैं एक दिमाग लगा सकती हूँ, क्या दिमाग लगा सकती हूँ इस पर, मैंने देखा 1 0 का 1 बन रहा है, ठीक, 5 का बन रहा है 6, मतलब 5 में क्या किया इसने, 1 जोड़ दिया है। ठीक है, 13 हो रहा है इसका, इसने 4 किया, 7 का 8, 7 में भी क्या हुआ, 1 जोड़ रहा है, मतलब 1 तो ऐड हो गई होगा। ठीक है, 1 तो ऐड हो गई होगा, तो अब ये 1 और 0 आ गया। अब मैं क्या करूँगी, अगर मैं करूँ 1 प्लस 0 तो 1 आ जाएगा, 1 में 1 जोड़ूँगी तो 2 आ जाएगा, तो प्लस तो नहीं चलेगा। ठीक है, अब क्या करके देख सकती हूँ मैं, 1 में से 0 गया, 1 में 1 जोड़ूँगी तो फिर 2 आ गया, ये भी नहीं चलेगा। अब क्या करूँगी मैं, 1 में 0 मल्टीप्लाई कर दूँगी। ठीक है, तो 1 0 0 0 हो गया। ठीक है, 1 0 0, अब इसमें 1 जोड़ूँगी तो क्या आ गया, 1 आ गया, मतलब मल्टीप्लाई का चल सकता है। 5 के साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं हुआ तो डायरेक्ट हम 1 ऐड कर दिए, 7 के साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं हुआ तो डायरेक्ट हम 1 कर दिए। अब 3 1 3 3 और 1 4। ठीक है, आई बात समझ में, क्या किया इसने, 10 5 13 7 को क्या किया, 1 × 0 = 1। ठीक है, 5 + 1 = 1 × 3 + 1 7 + 1। ठीक है, ये क्या किया इसने, डायरेक्ट 2 डिजिट है तो मल्टीप्लाई कर दिया, सिंगल है तो सिंगल ही रहेगा। ठीक है, 2 डिजिट का मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 1 कर दिया, सिंगल है तो डायरेक्ट प्लस 1 हो गया। ठीक है, 2 डिजिट है तो मल्टीप्लाई होगी, प्लस 1, सिंगल है तो प्लस 1। ठीक है, तो ये आ गया 1, ये आ गया 6, ये आ गया 4, ये आ गया 8। इतना बात आ गई समझ में छठवीं स्टेप तक का। अब चलते हैं हम सातवीं स्टेप की तरफ, अब हमारा सातवां स्टेप। ठीक है, सातवां स्टेप हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है, पहले लिखा एक्स एन के एच, इसको लिख लिया इसने 3 13 16 19। ठीक है, फिर क्या आया था हमारा, 1 6 4 8, इसको इसने क्या क्या लिख लिया है, रुको देखते हैं, पहले एक्स का 3 आया। ठीक है, एक्स का 3 कहाँ से आएगा, एक्स का होता है 24। ठीक है, 24 से 3 कैसे आया, 4 2 तो 6 होना चाहिए, 4 में से 2 गया 2 होना चाहिए, 4 2 नहीं 8 होना चाहिए, और 4 में से 2 डिवाइड करेंगे तो 2 आना चाहिए, मतलब ये नहीं है। ठीक है, अब क्या देखूंगी मैं, एक्स का अपोजिट क्या होता है, सी सी की प्लेस वैल्यू 3, बिल्कुल सही। एन का अपोजिट क्या होता है, एम, एम की प्लेस वैल्यू 13, बिल्कुल सही। K का अपोजिट P, P की प्लेस वैल्यू 16, बिल्कुल सही। H का अपोजिट S, S की प्लेस वैल्यू 19, मतलब इसने क्या किया है, इसका अपोजिट का प्लेस वैल्यू लिख लिया है। वैसे ही मैं इसमें देख सकती हूँ सातवीं स्टेप में इसने क्या किया है, इसके अपोजिट का प्लेस वैल्यू लिख लिया। ठीक है, मतलब A किसकी प्लेस वैल्यू होती है, A, A का अपोजिट Z, 6 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, F, F का अपोजिट U। ठीक है, 4 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, डी, डी का अपोजिट डब्लू, 8 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, जी, एच, घर, एच की। ठीक है, एच का अपोजिट एस, जी, जेड, यू, डब्लू, एस। इतनी बातें आ गई समझ में, बिल्कुल आ गई, कैसे आ गई, मैंने देखा एक्स एन के एच, इसका क्या किया इसने, अपोजिट का प्लेस वैल्यू लिख लिया। वैसे ही एक वाले में क्या किया इसने, इसका प्लेस वैल्यू का अपोजिट लिख लिया। ठीक है, ए का जेड, इतनी बातें आ गई समझ में। अब चलते हम हमारे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन ये रहा, अब मैं इसे छोड़ के जा रही हूँ आप लोग का होमवर्क। ठीक है, जैसे जैसे हमने पहले दूसरे तीसरे चौथे स्टेप में सॉल्व किया है, आप वैसे ही इसे सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, आप वैसे ही इसे सॉल्व करने की कोशिश करना। 4 स्टेप तक का क्या था, बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर में हमने नंबर लिखा था, लेटर लिखा था। ठीक है, पैटर्न कैसे चला था, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2
तीन चार, नंबर लेटर का पैटर्न, नंबर का पैटर्न, ठीक है। उसके बाद चार स्टेप तक हो गया। पांचवें स्टेप में इसने क्या किया था, पांचवें स्टेप में किया था कप लिखा था, उसका एक्स एफ के लिख लिया था, मतलब हमें क्या करना है अपोजिट लिखना है। और नंबर में क्या किया था इसने, 28 था, उसको इसने 10 लिख लिया था, मतलब एडिशन कर दिया था। छठवीं स्टेप में इसने क्या किया, पहले लेटर को लिख लिया था और इसमें क्या किया था मल्टीप्लाई प्लस प्लस वन, ठीक है, मल्टीप्लाई प्लस वन। सातवीं स्टेप में इसने क्या किया, अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू, ठीक है, और इसने क्या किया, जो प्लेस वैल्यू दी हुई है उसका लेटर लिखा, उसका अपोजिट, ठीक है। इतना स्टेप आप इसको सॉल्व करना, ठीक है, ताकि आप लोग इसे सीख पाएँ, ठीक है। अब चलते हैं हम एक दूसरे टाइप की इनपुट की तरफ, ठीक है। इसे मैं लिख के नहीं लाई हूँ, इसे मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके सिखाऊंगी, ठीक है। एक आता है नया टाइप का, आजकल ऐसे बॉक्स वाला चल रखा है, ठीक है, ये ऐसे पांच छह बॉक्स दिए रहते हैं, उससे ये सॉल्व करना सिखाता है हमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बॉक्स वाले पैटर्न को सॉल्व करना सीखते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर बना दे रही हूँ ऐसे तीन ठो छः ठो बॉक्स, ठीक है, ये हमने बना दिया बॉक्स। अब ये इनपुट है मेरा, इनपुट दिया रहता है ऐसे, मान लो तीन दो लिखा, एक पाँच लिखा, ठीक है, छः चार लिखा, एक पाँच लिखा, दो आठ लिखा, और क्या लिखा, तीन एक। अब क्या करेगा, ये पहला स्टेप दे देगा, उसमें क्या करेगा ये, या तो ये है ये है ये है, ठीक है, या तो इन दोनों का ले लेगा, ठीक, इन दोनों का ले लेगा, या इन दोनों का ले लेगा, या फिर इसका ले लेगा ये वाले के साथ, ठीक है, इसका ले लेगा ये वाले के साथ, और इसका ले लेगा ये वाले के साथ, ठीक है। दो पैटर्न समझ में आए, या तो दो दो की जोड़ी बना लेगा, या फिर जो ये छः हैं उसमें पहले वाले का चौथे, दूसरे वाले का पांचवें, तीसरे वाले का छठवें के साथ, या फिर पहले का लास्ट, दूसरे का पांचवें और तीसरे का चौथे, ऐसे ले सकता है, ठीक है, इस टाइप के वो पैटर्न ले सकता है, ठीक है। तो हम अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तीन पाँच सॉरी तीन दो, तीन दो, एक पाँच, छः चार, और क्या है, पंद्रह अट्ठाईस इकतीस, ठीक है, ये बना हुआ है मान लो ऐसे, ठीक है, बॉक्स पे ये, ठीक है। अब क्या किया इसने, अगर पहला स्टेप ये लिख रहा है मान लो, तो इसने लिख दिया यहाँ पे, लिख दिया पंद्रह और दो, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया इसने आठ और दस, यहाँ पे लिख दिया इसने छः और बारह, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं इन दोनों को देखूँ तो मुझे दिखेगा क्या, एडिशन तीन और एक चार, चार है क्या, बिल्कुल नहीं, तीन एकम तीन, तीन है क्या, बिल्कुल नहीं, तीन पंचे पंद्रह है क्या, बिल्कुल है, तीन पंचे पंद्रह, दो एकम दो, मतलब हो सकता है कि ये ऐसा हो जाए, ठीक है। अब चलते हैं हम इन दोनों को चेक करने, छः कम छः है क्या, बिल्कुल नहीं, पंद्रह चौक साठ है क्या, बिल्कुल नहीं, मतलब ये पैटर्न चल रहा है क्या, नहीं चल रहा है, ये पैटर्न नहीं चल रहा है। अब मैं क्या करूँगी, दूसरा पैटर्न देखती हूँ, जब पहले और दूसरे वाले का नहीं चल रहा तो अब पहले और चौथे वाले का देखते हैं हम, ठीक है, पहले और चौथे वाले का देखेंगे। तीन बॉक्स बना हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ है, पंद्रह और यहाँ पे आठ दस, ठीक है, ये दो था और छः और बारह है मान लो, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, मैं देखूंगी तीन का एक के साथ तीन एकम तीन नहीं है, तीन का पाँच के साथ तीन पंचे पंद्रह बिल्कुल है, तीन का लिया इसने पाँच के साथ तो दो का आ जाएगा एक के साथ, ठीक है, दो एकम दो बिल्कुल है। अब बाहर वाले का ले रहा है वो बाहर वाले से, तो एक का लेगा वो आठ से, ठीक है, आठ एकम आठ बिल्कुल है, अंदर वाले का लेगा अंदर वाले से, पाँच दूनी दस बिल्कुल सही है। अब लेगा वो छः है बाहर वाला, तो एक बाहर वाला छः कम छः, चार है अंदर वाला, तीन है अंदर वाला, मतलब चार तीन बारह, मतलब ये पैटर्न बिल्कुल क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, ठीक है, ऐसे लिख लिया इसने एक। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है, मेंस में, इसलिए मैं इस टाइप का क्वेश्चन को बता दे रही हूँ एक बार। उसके बाद मान लो इसने क्या किया, ऐसे दो बना लिया, ठीक है, इसमें लिख दिया इसने उनतीस और इसमें लिख दिया इसने दो चार चौबीस, ठीक है। अब ये कैसे आ सकता है, अब ये कैसे आ सकता है, अब मैं देख सकती हूँ पंद्रह आठ और छः कितना हो सकता है, ये पंद्रह आठ छः चौदह, मतलब उनतीस, उनतीस को इसने दोनों लिख लिया, बिल्कुल सही कर रहा है, ठीक है। अब क्या देखेंगे हम, दो दस और बारह, बारह और बारह चौबीस, बिल्कुल फॉलो कर रहा है, ठीक है। इसमें इसने क्या किया, पहले पहले वाले डब्बे का बॉक्स का क्या किया इसने, एडिशन लिख लिया है, ठीक है, ये इसका
इसका और इसका एडिशन ये रहा, इसका इसका और इसका एडिशन ये रहा, ठीक है। दूसरे स्टेप तक का समझ में आया। अब मान लो मैंने तीसरे स्टेप में क्या लिख लिया, मान लो ये 8 लिख लेती हूँ और यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं 97, ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब क्या करते हैं हम, अब इसको देखूँगी मैं, अब 2 और 2 तो 4 आना चाहिए, है क्या, नहीं, 9 चौक 36, 2 दूनी 4 बिल्कुल नहीं, 2 में से 2 गया 0 बिल्कुल नहीं, 2 डिवाइडेड बाई 2 बिल्कुल नहीं, मतलब जब प्लस नहीं आ रहा, माइनस नहीं आ रहा, इंटू नहीं आ रहा, डिवाइड नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूँगी, स्क्वायर चेक करूँगी, ठीक है। 29 का स्क्वायर 8 आएगा क्या, बिल्कुल नहीं, तो मतलब ये क्या है, एक साथ वाला नहीं है। तो अब मैं देखती हूँ एक एक सिंगल बॉक्स वाले को करके, 2 का 2 के साथ हो सकता है या फिर 2 का 4 के साथ पेयर बन सकता है। 2 का अगर मैं 2 के साथ पेयर बनाऊँ, 2 दूनी 4 नहीं बन रहा है, 2 चौक 8 जरूर बना, 2 चौक 8 पर 9 दूनी 18 बन रहा है क्या, नहीं, मतलब ये पैटर्न भी क्या करेगा, फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। अब क्या कर सकती हूँ मैं, स्क्वायर ले लेती हूँ अगर 2 2, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 कितने आ गए, 8, हो सकता है कि ये पैटर्न फॉलो कर जाए, ठीक है। अब क्या देखा मैंने, ये 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ठीक है, मतलब अब किसको लूँगी, 9 का स्क्वायर मतलब 81, ठीक है, 4 का स्क्वायर मतलब 16, 6 और 1 7 और 8 और 1 9, मतलब ये क्या बिल्कुल फॉलो कर रहा है, ठीक है। पहले में क्या किया इसने, इंटू किया इसमें, ठीक है, 3 का 5 के साथ 2 का 1 के साथ। उसके बाद क्या किया इसने, एक 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 पहले वाले बॉक्स का एडिशन लिख लिया। फिर क्या किया इसने, पहले वाले बॉक्स का पहले वाले बॉक्स के साथ स्क्वायर करके एडिशन कर दिया, ठीक है। अब ये 3 स्टेप आ गए। अब चौथे स्टेप में इसने क्या किया, 6 लिख लिया मान लो, ठीक है। तो अब चौथे स्टेप कैसे आएगा, 6 कैसे लिखाएगा, अब ये इसे हटा देते हैं हम, इसका कुछ काम नहीं है, यहाँ तक का हमारा बन चुका है ये तीसरा स्टेप, 1 मिनट, 8 97 और 6, ठीक है, ये तीसरा स्टेप था हमारा, 8, ये था 97, ठीक है। और चौथे स्टेप में इसने लिख लिया 6। अब ये कैसे आया, अब ये कैसे आया, तो हम क्या दिमाग लगा सकते हैं, 97 प्लस 8 कर दूँ अगर मैं, 8 7 15, 1 9 10, 105 आ रहा है, तो 6 आ सकता है 105 से, बिल्कुल नहीं। अब हम माइनस करेंगे तो भी 6 आएगा क्या, बिल्कुल नहीं, ठीक है। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा क्या, बिल्कुल नहीं। डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा क्या, 97 8 से डिविजिबल है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। और क्या हो सकता है भैया, फिर इसमें एडिशन करके देखते हैं, 8 7 15 15 और 9 23, ठीक है, 8 7 15 15 और 9 23, ठीक है। अब 23 को देखते ही 6 कैसे आएगा, 3 दूनी 6, ये दिमाग लग गया मेरा, कैसे आया, 8 9 और 7 को जोड़ दिया इसने, 8 7 1 मिनट 8 7 23, कैसे होगा ये, 23 नहीं होगा, ये 24 आएगा, ठीक है, 8 7 15 15 और 9 24, 24 से आया क्या, 4 2 6, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। 8 9 7 था, इसने क्या किया, तीनों को ऐड कर दिया, 8 और 7 15 15 और 9 24, ठीक है, और 4 और 2 6, कैसे पता चला हमें, इसने क्या किया, दोनों डिजिट, तीनों डिजिट को क्या किया, ऐड किया, उसके बाद क्या किया, इसका सिंगल डिजिट में एडिशन कर दिया, ठीक है। इतनी बातें आई समझ में, तो इस टाइप का क्या है, बॉक्स वाला क्वेश्चन एग्जाम पे आ सकता है, ठीक है। तो आज की क्लास यहाँ पे एंड अप होती है, आज हमने 2 टाइप के मशीन इनपुट सीख लिया, उम्मीद है कि आप लोग को समझ आया होगा और मैंने जो होमवर्क दिया है उसे आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगली क्लास की, ठीक है, अगली क्लास में क्या करेंगे, मशीन इनपुट का अरेंजमेंट बेस पे जितने टाइप बन सकते थे मैंने हर पैटर्न का आपको बता दिया है, ठीक है, हर पैटर्न का मैंने आपको सॉल्व करा दिया है, ठीक है। अगर कुछ नया पैटर्न आता है तो हम आगे सॉल्व कर लेंगे, बाकी इतने पैटर्न में से ही पूछा जाता है अभी तक एग्ज़ाम में, ठीक है, इससे ज़्यादा पैटर्न नहीं पूछा गया। तो आप इसे क्या कीजिएगा, होमवर्क को सॉल्व कीजिएगा, और सारी क्लास अगर आप लोगों ने देख ली तो आप लोग को समझ आ गया होगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगली क्लास में शिफ्टिंग बेस पढ़ेंगे, ठीक है। शिफ्टिंग बेस वैसे एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है, पर फिर भी हम एक क्लास इस पर कर लेंगे, कल हम 8वां पार्ट बनाएंगे, उसके बाद हमारा मशीन इनपुट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो क्लास को एंड अप करते हैं, कल फिर मुलाकात होगी एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। तो टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू एंड बाय।